हाल ही में पवनदीप को उत्तराखंड में अपनी बहन ज्योति दीप के साथ परफॉर्मेंस देते देखा गया था। पवनदीप अभी उत्तराखंड में ही है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पवनदीप और ज्योति दीप अपनी परफॉर्मेंस के बाद अपनी बड़ी बहन चांदनी राजन से मिलने भी पहुंचे थे। पवन ने जो फोटो शेयर किया है उसमें वो चांदनी, ज्योति दीप और चांदनी के हस्बैंड नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये सब अपने माता पिता के साथ बाहर निकल चुके हैं। जो यहाँ खबरें आ रही हैं कि इस महीने में पवन के माता पिता कई मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, ऐसे में पवनदीप भी इस पूजा में शामिल होने के लिए माता पिता संग निकल चुके हैं। पवन काफी दिन से अरुणिता से दूर है, ऐसे में अरुणिता भी बेचैन और उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब उनसे इंतजार नहीं किया गया तो अरुणिता भी उत्तराखंड के चंपावत पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, इस वक्त अरुणिता भी चंपावत में है, लेकिन वो पवन से मिल नहीं पाई हैं। पवन का अभी तक वो चेहरा नहीं देख पाई हैं, क्योंकि पवन माता पिता के साथ मंदिर में पूजा करने में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो अरुणिता से मिलने पहुंच जाएंगे, क्योंकि अरुणिता तो पवन से मिले बिना जा ही नहीं सकती। इस वक्त वो चंपावत में उनका इंतजार कर रही है और हो सकता है कि अरुणिता भी उत्तराखंड किसी शो को करने गई है। फिलहाल आप पवन अरुण को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता की बेहद प्यारी वीडियो सामने आई है, जिसने फैंस को खुश कर दिया, सुबह सुबह मूड ताजा कर दिया। हाल ही में पवन अरुण कोलकाता में शो करने गए थे, जहां अरुणिता ने अपनी मां के साथ परफॉर्मेंस दी थी और वहां मीडिया ने पवन अरुण को घेर लिया और कई सारे सवाल पूछ डाले, इनसे गाने की डिमांड भी की थी। उस बीच पवन अरुण ने एक ऐसा गाना गाया था जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये पवन अरुण एक दूसरे के लिए गाना गा रहे हैं, और सच भी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, दोनों की नजरें एक दूसरे से बातें कर रही हैं, आंखों ही आंखें, प्यार और रोमांस चल रहा है। दोनों ने जो गाना गाया वो था इश्क के नाम से डर लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर गाना गा रहे थे और हल्की हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बातें किए जा रहे थे। दोनों के चेहरे की स्माइल साफ बता रही थी कि इनके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं ये गाना दोनों ने एक दूसरे को डेडिकेट करते हुए गाया। इसके अलावा अरुणिता एक और गाना गाती हैं। अरुणिता गाना गाती हैं, होगा तुमसे कोई प्यारा ना। पवन नजरें झुकाकर हंसने लगते हैं और अरुणिता के मुंह से ये लाइन सुनकर उनके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं। अरुणिता भी पवन को देखकर ही गाना गा रही हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप पवन अरु के रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं? सुपरस्टार सिंगर 2 का आने वाला एपिसोड आप सभी को रुला कर जाने वाला है। इस बार शनिवार रविवार को सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर कुछ ऐसा होने वाला है कि दावे के साथ आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, तो आने वाला एपिसोड आप मिस मत करें। ऐसा अरुणिता कांचीलाल एक वीडियो में बोल चुकी हैं और सब समझ आ गया कि आने वाले एपिसोड में क्या खास है, जिसके लिए अरुणिता ने वीडियो बनाकर स्पेशली सबसे बोला है कि ये एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड में पवन अरु कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक बार फिर आप पवन अरु के दीवाने हो जाएंगे। एक बार फिर आपको इन पर इतना प्यार आएगा कि झप्पी लेने का मन करेगा। दरअसल आने वाला एपिसोड स्पेशल चाइल्ड्स के लिए रखा गया है, वो बच्चे जो गाने का जुनून रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से कुछ पीछे रह गए। लेकिन हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं तोड़ी है। आंखें ना होने पर भी इन बच्चों ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दी, वो भी पवन अरु की हिम्मत की वजह से। जी हाँ, मंच पर ऐसे ही बच्चे आने वाले हैं जिनके लिए अरुणिता कल हो ना हो गाना गा कर डेडिकेट करेंगी। अरुणिता जब ये गाना गाती हैं तो पवन भी इमोशनल हो जाते हैं और पवन भी उन बच्चों को डेडिकेट करते हुए तारे जमीन पर गाना गाते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस देखकर जजेस खड़े हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और पवन अरु से कहते हैं कि तुम्हारे इस गाने ने दिल को छू लिया। आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जिसे सुनकर देखकर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन का उन्हीं के शहर में जोरदार स्वागत किया गया, जैसे पवनदीप पहली बार किसी अनजान शहर में आए हों। ये तो बात सच है कि पवनदीप उत्तराखंड के लिए स्पेशल तो हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज के हुनर से पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। आज हर कोई इस उत्तराखंड के लाल को जानता है, पहचानता है। ऐसे में अपने शहर में पवनदीप का स्वागत तो बनता है और जब जब पवनदीप आते हैं तब तब उनका खास स्वागत होता है। कल उत्तराखंड में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था और जहां पवनदीप को स्पेशली इनवाइट किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
पवनदीप से मुलाकात की, उन्हें बधाइयां दी और काफी देर तक पवनदीप से बातें की। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने पवनदीप को महंगे तोहफे भी दिए, जिसे सुनकर उनके फैंस भी खुश हो जाएंगे और एक बार फिर पवनदीप को बधाइयां मिलने लगी हैं। दरअसल हुआ ये कि पवनदीप को सीएम धामी ने एक स्टूडियो गिफ्ट किया है, जिसे पवनदीप के लिए बनवाया गया है, पवनदीप के नाम बनवाया गया है। पवनदीप यहाँ स्टूडियो की मदद से म्यूजिक को एक नई दिशा देंगे, उन्हें कुछ मदद मिलेगी और वो उत्तराखंड की जनता की भी मदद कर पाएंगे, जो पवनदीप की तरह अपने इस हुनर को सजाना चाहते हैं, एक नई पहचान दिलवाना चाहते हैं। पवनदीप उन युवाओं की इस स्टूडियो के जरिए मदद कर सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को ये तोहफा बहुत पसंद आया और लोग पवनदीप को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि आज टैलेंटेड पवनदीप की वजह से उत्तराखंड के युवाओं को एक नया मौका मिला है। इससे पहले भी सीएम धामी की तरफ से पवनदीप को गाड़ी और कई महंगे तोहफे मिल चुके हैं। पवनदीप अपने उत्तराखंड को नई पहचान दिलवाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल आप पवनदीप की इस नई कोशिश के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन्हें बधाई जरूर दें? क्या पवनदीप के लिए आपके पास कोई नया विचार है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के कुछ कंटेस्टेंट पवनदीप और अर्निता के प्यार में इस कदर पागल हो चुके हैं कि वो इन्हें अपने कैप्टन समझकर काम कर ही नहीं रहे, बल्कि इन्हें भी यही लग रहा है कि जैसे हम वैसे ही पवन अरु भी हैं। जी हाँ, पवन अरु को हल्के में लेते हुए बच्चे पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। शायद इनके फ्रेंडली होने पर बच्चे जल्दी सीख भी रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे इनसे हर छोटी छोटी मदद ले रहे हैं और बिना हिचके। खाली टाइम में पवन अरुणिता बच्चों के साथ खेलते भी हैं, इनके साथ खाना भी खाते हैं और बातें भी खूब करते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल हिचकते नहीं और हर बात इनसे पूछते हैं। इनका कब वक्त निकल जाता इन्हें पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं, इन कंटेस्टेंट के पेरेंट्स भी इन दोनों के साथ खूब घुल मिल चुके हैं। काम के साथ इनके पेरेंट्स इनसे मिलने आते हैं और इनके साथ खूब फोटो शूट करवाते हैं। हाल ही में आपने शायशा की फैमिली को तो देखा ही था। शायशा की पंजाबी फैमिली ने पवनदीप की अच्छी खासी खातिरदारी की थी। पवनदीप ने खुद बताया था कि शायशा की पंजाबी फैमिली ने इनके सामने बड़ी सी थाली में कई तरह के खाने परोस दिए थे और अपने हाथों से जबरदस्ती खिलाए थे। उसके बाद बड़े बड़े ग्लास में पवनदीप के लिए लस्सी आती है, जिसका ग्लास देखकर ही पवनदीप की हालत खराब हो जाती है। लेकिन पंजाबी अगर लस्सी ना पेश करें तो वो बात में मजा ही कहाँ आता है। इनके अलावा कल एक क्यूट सी बच्ची की माँ पवनदीप के पास आती है और पवनदीप के कंधे पर हाथ रखकर रोमांटिक फोटो शूट करवाती है। बच्ची की माँ को इतना करीब देखकर पवनदीप की तो हालत ही खराब होने लगती है। उसके बाद वो अनिता के साथ भी फोटो शूट करवाती है। सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से लगातार इनके ऐसे ही मजेदार वीडियो सामने आ रहे हैं। अगर आप भी पवन अरु के इन दिलचस्प वीडियो को देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि सबसे पहले हम आप तक पहुँचा पाएं।